योगी जी सबसे ज्यादा दावा करते हैं कि जब से वो आए हैं दंगे खत्म हो गए, सुरक्षा बढ़ी है, खासकर कि हिंदुओं की सुरक्षा की भी बहुत बात करते हैं, फिर इस तरीके के दंगे हो जाते हैं तो पीछे हट जाते हैं। मैं एक बहुत प्यारी सी लाइन बोलता हूँ, योगी जी का और योगी जी के अंधभक्तों का बहुत बड़ा क्लेम है कि जब से योगी जी सरकार में आए हैं सुशासन आ गया, दंगे खत्म हो गए। मैं कह रहा हूँ सपा की सरकार में दंगे हुए, कांग्रेस की सरकार में दंगे हुए, मायावती की सरकार में दंगे हुए, लेकिन दंगे होने के बावजूद भी दो कम्युनिटी के बीच में इस तरीके की नफरत नहीं थी जितनी दंगे ना होने के बाद हो गई। ठीक, योगी जी ने इतनी नफरत भर दी है कि दंगे ना होने के बावजूद भी रोज लोग एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रीलों की बाड़े एक दूसरे के धर्म को टारगेट करते हुए। तो अगर तुम दंगे रखवा के लोगों के बीच में इतना नफरत भर सकते हो, लोगों के बीच में इतनी चौड़ी खाई पैदा कर सकते हो, देश में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में मिलकर रहते थे उनके बीच में विभेद डाल सकते हो, नफरतें भर सकते हो, तो भैया हमें दंगा लौटा दो, योगी जी कुर्सी छोड़ दो, हमें दंगा ही चाहिए फिर। अच्छा, विपक्ष ये भी कहने कि वापस से राष्ट्रपति शासन लगा दो यूपी में, क्योंकि सरकार से तो संभाला नहीं जा रहा है यूपी। राष्ट्रपति शासन लगा दो, राज्यपाल का शासन आएगा जी, और राज्यपाल किसका? तो भी मोदी जी का आएगा भाई। बात सरकार के जाने से, योगी जी के जाने से, शासन के हटने से नहीं, मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी जैसी विचारधारा का अंत होना चाहिए, ऐसे लोगों को राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ उतने घातक नहीं है जितने घातक इस सड़क पे मौजूद अंधभक्त है। इसलिए मैं कहता हूँ अंधभक्त मुक्त भारत चाहिए इस देश में, करप्शन मुक्त के लिए चला था, ठीक है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का चला था, अभी इंडिया अगेंस्ट अंधभक्त भी चलेगा। योगी जी से ज्यादा खतरनाक वो व्यक्ति है जो इनकी विचारधाराओं पे अमल करता है और इनको अपना भगवान मानता है। असल दंगे का एक्यूज वही निकलेगा, किसी भी दंगे में देख लेना, चाहे वो कन्हैया का कांड हो, कन्हैया को थप्पड़ मारने वाला उसके तार बीजेपी से जुड़े थे, अकबर रोड और इन रोडों का नाम बदलने वाला उनके तार बीजेपी से जुड़े थे, बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी बार बार चीख चीख के कहते हैं ये देखो दिल्ली जाता हूँ तो पता लगता है मुगलों का शहर है, कि अकबर रोड, बदायूं रोड, ठीक है, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, अरे हिमांशु जिसका सुधांशु को, सुधांशु त्रिवेदी को ये नहीं पता कि यहाँ पर मानसिंह रोड भी है, बाबा खड़क सिंह रोड भी है, रानी लक्ष्मीबाई सेतु भी है। अरे ये चार नाम गिना के कम्युनिटी को कब तक टारगेट करेंगे भाई? आप पूरी दिल्ली घूम, मैं दिखाता हूँ, राजा नैयर रोड भी है, ठीक है भाई, सबके नाम है, पृथ्वीराज चौहान रोड भी है, पृथ्वीराज चौहान सेतु भी है हमारे पास में, लेकिन ये लोग धर्म का चश्मा पहन के चलते हैं, कम्युनिटी विशेष को टारगेट करते हैं, चीख चीख कर बता रहे हैं कि इतने से लोग इतने सारे लोगों को कभी भी खत्म कर देंगे, दो चार गलत लोगों की क्लिप उठाते हैं और एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। दंगा मतलब बीजेपी, योगी जी और मोदी शाह और अमित शाह जी की जो विचारधारा है वो दंगे की ही विचारधारा है। 2002 का गोधरा कांड करने के बाद मोदी जी को पॉपुलैरिटी मिली है, फिर वो दंगा कैसे छोड़ देंगे भाई? जो लोग आते ही दंगे से हैं तो फिर वो कैसे छोड़ देंगे उनकी भाई? मोदी जी इतने इलेक्शनों में, मैं तो नहीं सुन रहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि मैं स्कूल बना रहा हूं तो वोट दे दो, हॉस्पिटल बना रहा हूं तो वोट दे दो, मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं तो वोट दे दो, मैं महंगाई कम कर रहा हूं तो वोट दे दो। मोदी जी कह रहे हैं जी राम जी का मंदिर बना दिया मैंने, ये हिंदू जागो बटेगा कटेगा, ऐसे बयान दे रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जब ऐसे बयान दे तो मुख्यमंत्री और आम जनता से क्या बात करोगे तुम? तो भाई बीजेपी की विचारधारा का अंत होना चाहिए। योगी जी कुर्सी छोड़ दें तो काम नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूँ राजनीति छोड़े वो व्यक्ति, संन्यास ले, और ऐसे लोगों का राजनीति में आना बंद होना चाहिए, तब ये देश दंगा मुक्त हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये विपक्ष में रहते थे तो दंगा कराते थे, आज सरकार में है तो भी दंगा करा रहे हैं। देश में कुछ नहीं बदलेगा जब तक ऐसे लोग राजनीति में पक्ष में या विपक्ष में रहेंगे, जब तक कुछ नहीं बदलेगा। अच्छा, विपक्ष का भी यही कहना है, आपने जिक्र किया बटोगे तो कटोगा, कि विपक्ष का कहना है कि जनता को समझना पड़ेगा किस तरीके से दंगे होते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भड़काया जाता है, ऐसे ऐसे भाषण दिए। रात दिन देश को बांटने वाले लोग, रात दिन देश में हिंदू मुसलमान करने वाले लोग, रात दिन एक दूसरे को धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग कह रहे हिंदू एक हो जाओ। अबे देश बांट कर तुम एक धर्म विशेष के लोगों को एक होना कह रहे हो? लोग कह रहे हिंदू जाति में मत बटो। अरे हिंदुस्तानियों तुम धर्म में मत बटो, तुम्हें धर्म में नहीं बटना है। वो कह रहे हिंदू मत बटो। हिंदू क्यों? इस देश का हर एक भारतीय हिंदुस्तानी क्यों बटेगा और तुम्हारे कहने से क्यों बटेगा? जब जब वो कहते हैं हिंदू एक हो जाओ तो इस एकता में ही बंटवारा है। तो हिंदू एक हो जाओ मतलब मुसलमान तुम एक हो जाओ, सिख तुम एक हो जाओ, सब अलग अलग हो जाओ। जब जब वो कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ, इसका यही मतलब है कि देश को बांट दो, ये बांटने की ही विचारधारा है।
बस बोलने का तरीका बदल दिया, ठीक है कि मुसलमानों तुम अलग हो जाओ, हिंदुओं तुम अलग जाओ, ऐसा नहीं बोला जा रहा। हिंदू तुम एक हो जाओ, जाति में मत बटो, जाति में ना बांट के तुम धर्म में तो बांट ही रहे हो। कभी किसी नेता के मुंह से ये भी निकले कि भारतीयों तुम एक हो जाओ, हिंदुस्तानियों तुम एक हो जाओ, सभी इंसान तुम एक हो जाओ, इंसानियत के नाते एक हो जाओ, नेता के मुंह से ये नहीं निकलेगा। नेता की रोटी सिकती है धर्म के एजेंडे पे, तो धार्मिक एजेंडा सीधा होगा और उसी के नाते वो भाई अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे। जब तक जमीन पर अंधभक्त मौजूद है, जब तक जमीन पर बीजेपी का सपोर्टर मौजूद है, ये देश कभी दंगा प्रूफ नहीं हो सकता, दंगा मुक्त नहीं हो सकता। बीजेपी मतलब दंगा और बीजेपी की विचारधारा मतलब दंगे की विचारधारा। अच्छा, भाजपा की तरफ से भी बोला जा रहा है कि जब योगी जी काम करते थे, बुलडोजर चलवाते थे, तो बोला जाता था एक समाज की तरफ टारगेट कर रहे हैं, और अभी भी नहीं कर रहे हैं तो भी सवाल उठाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ बुलडोजर से कार्रवाई कर ही क्यों रहे हैं, कार्रवाई संवैधानिक दायरे में होगी। अगर देश का संविधान कहता है बुलडोजर चलाओ तो चलेगा, देश का संविधान कहता है बुलडोजर चलाओ गोली लगाओ तो लगेगी, लेकिन संविधान के दायरे में होगा। तुम न्यायपालिका से आगे हो गए, अब फैसले ये होंगे कि आज क्राइम हुआ कल फैसला, कोर्ट की प्रक्रिया किस काम आती है, ये प्रोसीजर है क्या? हम जब कानूनी व्यवस्था में है, संवैधानिक व्यवस्था में, पुलिस का काम है गिरफ्तार करना, फैसले सुनाना नहीं। भाई योगी जी को तभी क्यों पता चलता है जब दंगे हो जाते हैं कि ये भाई ये ज़्यादा घिरा हुआ है, भाई ये अतिक्रमण है, पहले से पहले क्यों नहीं पता होता कि अतिक्रमण नहीं है? भाई जब दंगा हो जाएगा और अतिक्रमण, एक लड़के ने, एक घर में 10 लोग रहते हैं, उस घर के एक व्यक्ति ने अतिक्रमण करा, एक व्यक्ति ने दंगा करा, उसकी सजा पूरे घर वालों को मिलेगी, ये कहाँ से डिसीजन हो गया जी? बहराइच में अभी जो दंगा हुआ है उसको लेके लगातार विपक्ष अब सरकार पे आरोप लगा रही है, कह रही सरकार जिम्मेदार है जो इस तरीके के दंगे हो रहे हैं। भाई मैंने तो पहले कहा था ना, बीजेपी मतलब दंगा। भाई जो पार्टी आई ही दंगों की विचारधारा पे है, जिस पार्टी का मुखिया ही दंगा करा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता हो, उस पार्टी से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? और ये तो वो है जो दिखाया जा रहा है, दरअसल दंगा भी नहीं कह सकते इसको। दंगा तो एक होता है कि जहाँ बराबरी का भाव आ जाए, ठीक, और दोनों समुदाय लड़ भीड़ मरे, यहाँ तो एक तरफा मामला चलता है और बाद में दंगे का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। तो यहाँ जहाँ जहाँ योगी जी की विचारधारा काम करेगी, जहाँ जहाँ योगी के सपोर्टर काम करेंगे, वहाँ वहाँ दंगा होगा। बहराइच आप जानते हैं यूपी का सबसे गरीब जिला है, वहाँ दंगा होना निश्चित है। जहाँ गरीबी वहाँ अंधभक्त, जहाँ एजुकेशन नहीं वहाँ अंधभक्त, और वहाँ होगा। दंगे में हुआ क्या कि एक कम्युनिटी का व्यक्ति दूसरे कम्युनिटी के फ्लैग को नीचे उतार रहा है, क्या जरूरत थी उसे उतारने की? और कह रहे पत्थरबाजी, भाई योगी बाबा का इतना खौफ है, उसके बावजूद अगर पत्थरबाजी हो जा रही है तो जिम्मेदार कौन? और दंगा होने के बाद एक्शन कौन लेगा? योगी जी की जो भी प्रक्रिया देखोगे आप एक्शन लेने की, तो आप कभी भी नोटिस करना, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे यूपी का कोई भी कांड हो, बाबा जी पहले दंगा होने देते हैं, बाद में पुलिस कार्रवाई करती है, बाद में बुलडोजर जाता है, फोर्स जाती है दिखाने को कि बाबा इतने टाइट हैं, जबकि दंगा दंगा होने से पहले रोका जा सकता है। जब एनआरसी सीए का आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त भी योगी जी ने प्रोटेस्ट के दौरान, ठीक है, कोई निगरानी नहीं रखी और कुछ सुरक्षा के तहत कदम नहीं उठाए, लेकिन जैसे कुछ, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज हो जाती थी जो अनचाही थी, फिर उसके बाद एक्शन होता है। तो दंगा तो योगी जी जब तक रहेंगे तब तक दंगा होगा, सुशासन के नाम पर एक समुदाय को दबाने का और दूसरे समुदाय, वो भी कट्टरपंथ समुदाय को बढ़ावा देने का काम योगी जी करते आए, करते रहेंगे। अच्छा, विपक्ष कह रहे हैं कि इस दंगे को लेकर भी अब भाजपा जो है राजनीतिक रोटी सेकेगी अपनी। बिल्कुल सेकेगी, अब भाजपा दिखाएगी हिंदू बटेगा तो कटेगा, यही दिखाएगी। हालांकि उस जगह पर पीड़ित हो सकता है अल्पसंख्यक हो, लेकिन फिर भी भाजपा ये दिखाएगी कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये दिखाएगी, उसके तहत अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगी। भाई योगी जी पिछले 10 साल से शासन में रहने के बाद भी एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक, और रात दिन राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो नाम वाला एंगल हो, चाहे वो कावड़ यात्रा वाला एंगल हो, नमाज ना पढ़ने वाला एंगल हो, ये योगी जी का कोई भी डिसीजन है वो तो दूसरी कम्युनिटी जो है वो भैया अल्पसंख्यक है, मजबूरन है, लेकिन जैसे फैसले योगी जी ने लगातार दिए हैं वो तो दंगा कराने वाले फैसले हैं।
योगी जी का कोई भी फैसला सारे समुदाय को साथ लेकर चलने वाला है ही नहीं। जिस विचारधारा से योगी जी आते हैं वो विचारधारा भाई संवैधानिक है ही नहीं, तो फिर दंगा तो होना मुमकिन है भाई। ये है कि भाई एक इंसान कब तक कम्युनिटी चल रही है भैया, चल रही है जब तक संविधान के तहत मामला चले। ये तो देश की जड़ें इतनी मजबूत है कि लोगों का स्वार्थ इतना मजबूत है कि वो लड़ते नहीं। लेकिन योगी जी की विचारधारा अगर हर एक व्यक्ति के मन पे छा जाए तो दंगा तो रोज होए। ये जो उनके सपोर्टर हैं वो क्या है, उसी विचारधारा से आते हैं। अच्छा ये भी बोला जा रहा है कि क्या उपचुनाव आ रहे हैं इसीलिए अब दंगे हो रहे हैं यूपी में। भाजपा जो है वो 12 मार्च चुनाव की तैयारी करती है, वो जीतती है सुबह उठती है तो चुनाव, रात को सोती है तो चुनाव, हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए प्रयास करती है। वो उपचुनाव उपचुनाव तो खैर बहुत छोटी बात हो गई, वो अगले 5 साल कौन सा इलेक्शन होगा उसकी तैयारी आज से कर रही है, और वो तैयारी उसकी कम्युनलवाद की तैयारी है, बहुसंख्यकवाद की तैयारी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा बोले जरा कार्रवाई भी उस तरीके से ठोस कार्रवाई नहीं हुई जा रही है, क्या इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव आए तब कार्रवाई शुरू करें? मैं बता रहा हूँ ना, लिख के ले लो, कार्रवाई कम्युनिटी विशेष पर होगी ठीक, और जिस जो पीड़ित होगा उसी को दोषी ठहराया जाएगा और उस व्यक्ति पे कोई कार्य। और एक बात और ध्यान रखना, जिसमें इसमें जो मेन अक्यूज्ड होगा मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ उसके तार बीजेपी से जरूर जुड़े होंगे, जांच हो जानी चाहिए।